रतलाम से मैं मेरे घर गया, बूढ़ी टेकरी बंगाली चौराहा, तो वहाँ पर मेरी औरत, दो लड़के थे मेरे घर में, उनका मेरे को पता था कि इसका दोनों के साथ चक्कर है, बाकी मैं इतना माइंडली नहीं करता था। मेरे साथ उस चक्कर में विवाद भी होता था मेरे घर में, बाकी मैं इतना नहीं सोचता था। बाकी उस दिन ये हुआ कि मैं गया तो मेरी दोनों छोरियाँ सो रही थी, मेरा ससुर नहीं था, मेरी सास है, मेरा साला है और वो दोनों छोरे थे। ये पीछे के रूम में दोनों छोकरे और मेरी वाइफ गलत काम कर रहे थे। मेरा साला और मेरी सास आगे के कमरे में बैठी थी, तो भी मैंने दरवाजा खुलवाया, लड़ाई झगड़े करके, चिल्ला चोट करके उनने दरवाजा खोला। खोलने के बाद मैं थोड़ी चिल्ला चोट की और उनने मेरे मुंह में कपड़ा फंसाया। कपड़ा फंसाने के बाद मुझे नीचे फेंक दिया गया। और उस दिन मैं बयान इसलिए नहीं दे पा रहा था कि मुझे घर से ही चमका के और डरा के बिठा के लाए थे कि तेरा गला दबा के यहीं मार डालेंगे अस्पताल में, हमारे पे तो यूं भी मर्डर लगना है और यूं भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी मार डालेंगे। तो बाकी इस चक्कर में मैं उस दिन बयान नहीं दे पाया था। कितनी मंजिल से फेंका थे वो? मेरे को चौथी मंजिल से फेंका। कौन सा थाना क्षेत्र में आता है ये? कनाड़िया। कनाड़िया क्षेत्र में आता है। क्या क्या नाम है उनके जिनने तुमको मुंह में कपड़ा फंसाया था? एक का नाम छोटू, एक का नाम निकिता, यश, रेखा और परवेश। अच्छा, ये चारों ने मिलकर? हाँ, मोमेडन का नाम मुझे कंफर्म नहीं है। वो दो छोरे और थे जो बाहर खड़े हुए थे, मेरे साले के साथ गांजा पी रहे थे। और ये मैंने कोई उस दिन नशे वशे कुछ भी नहीं कर रखे थे सर। मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, अभी भी मेरा जांच हो सकती कि मैंने उस दिन कोई जांच लगी है। मेरा पूरा आधा शरीर फ्रैक्चर है, ये पूरा फ्रैक्चर है। बता सकते हो कहाँ का लगी? देख लिए पूरा तो ओपन रख रखा है, ये पूरा टूटा हुआ है। कमर में भी दर्द है और ये पिंडी और जवाड़ा बाहर निकला तो डॉक्टरों ने तार बांध के अंदर कर रखा है उन दांतों का, उनका भी बाद में ऑपरेशन है। ठीक है। ये बल्ले पे चोट है, पूरा गाल है, माथे में चोट है। ठीक। बहुत बुरी दुर्घटना करी वो रतलाम से, उसको तांडव कर करके और परेशान कर करके उसी की मिसेस ने बुलाया। वो 8 वाली बस से मेरे पास ही था और रतलाम में 3-4 दिन से मिलने आया था मुझसे। रहता वो अधिकतर इन्हीं के घर था, ये लोग ही रखते थे घर जमाई बन के, इसकी सास, इसका भाई और ये खुद इसकी पत्नी। उस रोज ये घटनाक्रम हुआ कि इसको गाली गुप्तार कर करके बुलाया गया। घर में गुंडे थे। ये आया रात को 11 बजे पहुँचा यहाँ। टिकट अभी उसके पास है उस दिन का, संडे का। और आया, इसने दरवाजे बजाए, नहीं खोले बहुत देर तक। फिर इसने चिल्ला चोट करना चालू करी। आड़ पड़ोसियों ने भी सुनी इसके दरवाजे पीटने की आवाज़ें, धम धम धम। जैसे तैसे दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो दो कोई दूसरे मर्द बैठे हुए थे जो कि गलत काम भी कर रहे थे। वो देख के इसने चिल्ला चोट करी और गुस्से में आया। इसका क्रोध काबू में नहीं रहा। उन दो लड़कों ने और फ़ोन लगा के 2-4-6 लड़के गुंडे और बुला लिए। इसको गैलरी में और कमरे में बहुत बुरा मारा, अधमरा करा। अधमरा करने के बाद इसकी मिसेस ने, इसकी सास ने, इसके साले ने और उन लड़कों ने इसके मुंह में रूमाल फंसाया और चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस तरह की हालत है अभी। और क्या नाम है आपके लड़के का? मेरे लड़के का नाम हिमांशु चौहान है और हालत बहुत गंभीर है। क्या पुलिस बयान लेने आई? तो कहा था क्या इसको? पुलिस बयान लेने आई तब ये लोग रात को 1-1:30 बजे यहाँ हॉस्पिटल में लाए और हॉस्पिटल में लाते लाते रास्ते में ये धमकाया इसकी औरत ने और साले ने कि अगर तूने सच्चे बयान दे दिए माँ तो फिर देख ले तेरा गला दबा के वहीं कैसे पलंग पे माँ मौत हो जाएगी तेरी। माँ की सूरत देखना चाहता हो तो हम जैसे बोलें वैसे बयान देना। उसके बाद में फिर रात को तो इसने फिर भी पुलिस वालों को ये बयान दे दिए थे कि मेरे को गिराया गया, मगर सुबह तक इतना डरा दिया तो इसने फिर 9 बजे फिर पुलिस आई कनाड़िया थाने की, तो उनको एक ही जवाब दिया, बोले मैं खुद, मुझे होश ही नहीं, नशे पत्ते में गिर गया। आपकी बहू के उन लड़कों से अभी संबंध? बहुत गलत संबंध है, वो तो धंधा करती है। मेरा रजनी चौहान। युवती ने धक्का दिया भर्ती को। दिनांक 19/7/2021 को MIS से सूचना मिली थी कि हिमांशु चौहान पिता संजय चौहान उम्र 24 साल निवासी IDMLT भूरी टेकरी का अस्पताल में इलाज हेतु उसकी पत्नी लेकर आई है। साना जांच पर से पुलिस वहाँ MIS पहुँची जिसमें कथन लिए तो मजदूरों ने बताया कि दोनों पति पत्नी में विवाद होने से वो नीचे मल्टी से नीचे कूद गया जिससे वह घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। सर प्राथमिक जांच में क्या घटना स्थल पर या आसपास से पूछताछ में कुछ इस तरह की सूचना की कोई प्रेम प्रसंग या और कोई? अब प्रेम प्रसंग के बारे में अभी जानकारी लगी नहीं है। जो मजदूरों ने जो बताया है उन्हें मारपीट होना बताया है, पति पत्नी में विवाद होना जिससे बताया। अगर वो बाद में अगर जो घटना सामने आती है तो उसकी जाँच कर उसकी अलग से प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बताया, पारिवारिक मैटर है दोनों को पति पत्नी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।